बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सेल पर सैलरी शीट बनाना बताएंगे और उसकी एंट्री भी बताएंगे किस तरह से होगी। सबसे पहले हम इनकी लाइनों को बोल्ड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे यहाँ अपना कर्सर रखा और इसको ये लाइन हमारी बोल्ड हो गई। उसके बाद हम राइटिंग को भी बोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया सीरियल नंबर, हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद हम इसको इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं नेम, नेम आ गया। फिर उसके बाद नेम, नेम के बाद हमारी बेसिक सैलरी या इनिशियल सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। उसके बाद हम इसमें अलाउंसेस लिखेंगे। अलाउंसेस बेशुमार किस्म के होते हैं, हर कंपनी के अपने अलाउंसेस होते हैं और हर कंपनी की अपनी डिडक्शंस होती है। तो हम इसमें चंद अलाउंसेस का जिक्र कर लेते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है इंटरव्यू में कि आप बताइए कि अलाउंसेस कितने होते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि अलाउंसेस बेशुमार किस्म के होते हैं, हर कंपनी के, हर गवर्नमेंट इदारे के अपने अलाउंसेस होते हैं, हर कंट्री के अपने अलाउंसेस होते हैं। तो लिहाजा आप कभी भी इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछे तो आप बता दिएगा कि बेशुमार किस्म के अलाउंसेस होते हैं, चंद एक बता दिएगा कि भाई ये होता है। अब इसमें हाउस रेंट, ये हमारा अलाउंसेस, इसमें हम इंसर्ट करके जगह ले लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे हम ये हमारे पास हाउस रेंट, हाउस रेंट ये हमारा अलाउंस है। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हमको जगह चाहिए होगी तो हम इसमें इसको जगह बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें एक और ले लेते हैं मेडिकल, मेडिकल। अच्छा, अब ये तीनों हमारे अलाउंसेस हो गए, तो हमने यहां पे लिख दिया अलाउंसेस, अलाउंस, ये हमने अलाउंस, यानी कि ये हमारे अलाउंस हो गए। अब इसको हम जो है अलाउंस, उसके बाद हम यहां लिखेंगे ग्रांट टोटल, ग्रांट टोटल, इसको भी हम यहां पे बढ़ा लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ग्रांट और यहां पे हम दे देते हैं टोटल, टोटल। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है डिडक्शंस, तो हम इसी को यहां से करके और यहां पेस्ट कर देते हैं और यहां लिख देते हैं डिडक्शंस, डिडक्शंस, यानी कि हमने क्या क्या डिडक्शंस किए। अब डिडक्शंस में हम ले लेते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद हमने पेंशन, पेंशन फंड, फिर उसके बाद जीपी फंड, डिडक्शंस, उसके बाद पेंशन फंड, जीपी फंड, जीपी फंड, और यहां पे हम लिख देते हैं नेट पैड, नेट पैड।
अब इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं कि अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, इसको हम यहाँ पर जो है मर्ज कर लेते हैं ताकि, और इसको सेंटर में कर देते हैं। अब ये मेडिकल है हमारा, मेडिकल को भी ताकि ये और खूबसूरत लगे और सही लगे ये, ठीक है। और उसके बाद हम टोटल को जो है टोटल यहाँ लिख लेते हैं और ग्रांट को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये इसी तरह से हम पेड पैड और ये नेट पैड, नेट पैड। अब इसमें हमारे पास, इसमें हम थोड़ा सा इसको और खूबसूरत कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको जो है मजीद, इसको पहले हम आल कंट्रोल करके इसको सेंटर कर देते हैं और ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया हमारा और ये सेंटर हो गया। अब इसमें इसको हम कलर भी दे देते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे और ये भी खूबसूरत लगे। और कानम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम और फाउंड भी बड़े कर लेते हैं। अब इसमें हम यहां लिख देते हैं, इंसर्ट करते हैं और इसको हम यहां लिख देते हैं सैलरी शीट। सैलरी शीट, सैलरी शीट और इसको भी हम सेट कर देते हैं ग्रांड टोटल और इसको भी हम कलर दे देते हैं। इसको हम कलर, आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, जो आपका दिल करे। और इसको भी हम कलर दे देते हैं ये। अब इसमें हमारे पास, और इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं और ये भी हमारा जो है यहाँ पे, और ये हमारा सीरियल नंबर को भी सेट कर देते हैं ये। और इसको हम इसका फाउंट बढ़ा देते हैं और ये हमारा जो है ये कर दिया और इसकी सैलरी शीट। बल्कि एक काम हम ये करते हैं कि इन सब को एक ही कलर दे देते हैं और वो कलर ये ज्यादा सूट करेगा इस पे कि ये। अब इसमें हमने सीरियल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब नेम, नेम में हमने लिखा सलीम, सलीम, फिर खान, फिर पीटर, फिर इसमें हमने लिखा पीटर कुमार, और कुमार के बाद हमने लिखा अलीम, जॉन,
जमील कलीम रीटा, इसमें एक चीज को हमें इजाफा करना है और वो है डेजिनेशन। तो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हमें डेजिनेशन लिखना है कि किसकी क्या डेजिनेशन है। डेजिनेशन हमने लिखा बी एस आई डेजिनेशन। सपोज सलीम की डेजिनेशन है जीएम और खान मैनेजर, पीटर अकाउंटेंट, कुमार असिस्टेंट और अलीम भी असिस्टेंट है और बाकी को हम कर देते हैं लेबर। लेबर बाकी सपोज सब हमारे पास बाकी लेबर हमारे पास है। अब इसमें बेसिक सैलरी जो है हमारे पास इस वक्त जीएम की जो है बेसिक सैलरी सपोज किया 25,000 है और इसमें मैनेजर की 20,000 कर देते हैं, अकाउंटेंट की 18,000, फिर असिस्टेंट की 15,000, असिस्टेंट की 15,000, लेबर की 12,000, 12,000, 11,000 और 11,000। उसके बाद हाउस रेंट, जीएम को हाउस रेंट मिलता है, सपोज जीएम को हाउस रेंट मिलता है 3,000 और मैनेजर को मिल रहा है सपोज 2,500 और अकाउंटेंट को हाउस रेंट मिल रहा है 2,000 और बाकी सबको 1,500 रुपए। आपने इसकी कॉपी करी, ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जीएम को जीएम को ट्रांसपोर्ट के मिल रहे हैं सपोज 3,500 और 3,000 और 2,000, बकाया सबको कंपनी कह रही है कि भाई इनके अलावा बाकी सबको सपोज किया 2,000। लेकिन जब आप अपनी जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ आपको रूल, आपके रूल रेगुलेशन आपको मालूम होंगे। मेडिकल, मेडिकल में, मेडिकल में जीएम को मिल रहे हैं जनाब 2,000 और मैनेजर को भी 2,000 और बाकी सबको कंपनी के लिए भाई हम 1,000 रुपये दे सकते हैं बस। और जब आप कहीं जॉब करेंगे तो आपको मालूम होगा उनका कानून होगा, उसके तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि सैलरी शीट बना के इसके अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अब ग्रांड टोटल, अब यहाँ पे हम लगाते हैं इसका फार्मूला। अब जब हम फार्मूला लगाते हैं तो आपने किया, आप इस सबको जो है आपने यहाँ यहाँ तक लेके आए और इसको आपने ऑटो सम कर दिया, यह आ गया आपका। और इसी तरह से अगर हम ये सब लेके आ जाते हैं नीचे तो ये सॉरी, अब इसको जब हम प्लस करते हैं, सॉरी यहाँ पे बेसिक सैलरी, अब इसको अगर हम, ये हमारे पास जो है ग्रांड टोटल। अब देखिए इन सब का, यानी कि इसकी बेसिक सैलरी 25,000 थी, हाउस रेंट 3,000 था, ट्रांसपोर्ट 3,500 थी, मेडिकल 2,000 था, तो टोटल इसकी तनख्वाह बनी 33,500 टोटल जो है इसकी, जो है इसकी सैलरी बनी। अब इसमें से हमने टैक्स, सपोज इसने टैक्स इसके डिडक्शंस किया गया, इसका टैक्स डिडक्शंस हुआ 500 रुपए और
पेंशन फंड में ये अपने 1000 रुपये जमा करवा देते हैं और जीपी फंड में भी ये 400 रुपये जमा करवाते हैं सपोज। अब क्या होगा, जब हमने बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल को प्लस किया तो 33,500 इनकी ग्रांट टोटल बनी, लेकिन डिडक्शंस हो गई 500 डिडक्शंस, 1000 डिडक्शन, जीपी फंड डिडक्शन हो गया, नेट पैट। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा लें, प्लस यहाँ पे आए, फिर माइनस ये लगा दें, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये, और इसको आपने एंटर कर दिया। तो ये घर पैसे लेके जाएंगे, इनकी नेट सैलरी बन गई 31,600 ये। और इसको हम नीचे तक, फिर इसी तरह से इसमें भी हम अगर इसको हम फार्मूला लगा देते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें हम इनका टैक्स काट, टैक्स डिडक्शन करते हैं, सपोज 400 रुपये, फिर 300 रुपये, और ये 300 रुपये सपोज हम सबके ही डिडक्शंस कर लेते हैं, सबके डिडक्शंस कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे है 300 300 300, ये आ गया। फिर इनमें से सबके पेंशन फंड, इनका हमने 800 रुपये डिडक्शंस किया, और 700 और 600 बकाया। इसमें आपको लॉ की किताब पढ़ना पड़ेगी, जो गवर्नमेंट एक्ट होता है उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। अब इसमें जीपी फंड इनका 400, तो सपोज बाकी सबके 300 और इनके 200, तो बाकी के भी हम 200 ही कर देते हैं, 200 जो है हम इसमें 200 200 ही कर देते हैं ये। अब आप देखिएगा कि इसमें सलीम, सलीम के जो पैसे हैं, सलीम के जो पैसे हैं अब इसका भी हमें टोटल करना है यहाँ पे, इसका भी। तो हमने इसको यहाँ तक लेके आए और ऑटो सम किया, ये आ गया, और इसकी आप कॉपी कर लें यहाँ पे, यहाँ से लेके, और ये सब आपने यहाँ करके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये सबके बैलेंस आ गए ये। अब ये सारे बैलेंस आ गए, तो ये सैलरी शीट हमारी जो है तैयार हो गई है। अब इसमें ये हमारा टोटल है, ये हमारे क्या है, ये हमारे, ये टोटल हमारा जो है, ये टोटल हमारा है। तो टोटल बेसिक सैलरी इतनी थी, हाउस रेंट टोटल इतना था 16,500, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना था, मेडिकल अलाउंस इतना था, ग्रांट टोटल इतना बन रहा है, यानी कि टोटल हमारी सैलरी जो हम कंपनी पेड कर रही है 1,87,000। इनकम टैक्स ये डिडक्शन हो गया, ये गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। पेंशन फंड ये हमारी जो है पेंशन फंड को भेज दी जाएगी, जेपी फंड, जेपी फंड में भेज दिया जाएगा, और नेट पैड, ये नेट पैड होगा। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बना देते हैं इधर, तो आप देखिए किस तरह से ये अफेक्ट करेगा इस पर। अब इसको बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास देखें, ये तो ये हमारा जो है, इधर हमने अगर लिखते हैं ये डी आर और ये सी आर, ये सी आर हो गया डी आर सी आर। अब इधर हम लिखते हैं कि जनाब, इसमें हम लिख देते हैं कि सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट में हमारा अमाउंट कौन सा आएगा, ये यहां पर आ जाएगा 187, ये आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स, ये हमें गवर्नमेंट को देना है, इनकम टैक्स पेबिल है ये हमारा, इनकम टैक्स पेबिल कर दें, ये सब पेबिल है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को भेजना है। तो आप यहां लिखेंगे कि इनकम टैक्स पेबिल, इनकम टैक्स पेबिल, इनकम टैक्स पेबिल कितना है, ये जो है हमारे पास 3000 यहां पे आपका आ गया। फिर उसके बाद है आपके पास पेंशन फंड, पेंशन पेबिल, पेंशन, इस ये भी हमारे पास जो है पेंशन पेबिल, ये हमारे पास आ गई 6100 यहां पे आ गई। फिर उसके बाद जीपी फंड है, जीपी, जीपी पे बिल, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास 2100 है। अब नेट पेड हम कितना कर रहे हैं, नेट पेड जो है हम कर रहे हैं जनाब ये, तो इधर हमने लिखा कैश या बैंक, कैश क्रेडिट हो गया हमारा, या बैंक
बैंक क्रेडिट हुआ हमारा 175,800। अगर हम इसको प्लस करते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ये भी 187,000 आ गया और ये भी 187,000 आ गया। अब हम पढ़ते तो है कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, भाई ये होता कैसे? ये इस तरह से होता है, आप देखिए इस तरह से ये होता है। आपने इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम सिखाने के लिए बच्चों को, ये DR हुआ है, ये आपका CR हुआ है, और ये भी आपका CR हुआ है, और ये भी आपका CR हुआ है, और ये भी आपका CR हुआ है। अगर हम इसके इसको जाके चेक करते हैं हम, तो आप देखेंगे इसको कि ये देखें ये DR, ये देखें ये DR, ये आप अगर इसको देखेंगे इसमें, अगर हम चले जाते हैं शेप में, और ये जो है आप देखिए कि ये देखें ये वाला जो अमाउंट है ये देखें ये यहाँ पे ये आया ये, ठीक है। और इसको जो है हम बोल्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो अमाउंट है ये वाला, और ये वाला जो अमाउंट है इसको हम ये देंगे, ये देखिए ये यहां आया है। और फिर आप इसको देखेंगे ये वाला अमाउंट, ये देखें ये आया है, और फिर ये वाला भी अमाउंट आप ये देखें कि ये देखिए ये वाला अमाउंट ये आया है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये जो हमने हमारा जो कैश ये क्रेडिट हुआ था ये देखें ये यहाँ आया है हमारे पास, और ये हमारी जो है एंट्रीज बन गई है ये देखें। तो जो हम किताबों में पढ़ते थे कि भाई सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट, तो वो इस तरह से होता है। देखिए ये डेबिट हो गया, ये देखिए डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट पे आ गया, ये भी क्रेडिट हुआ, ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, दोनों बैलेंस हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम सैलरी शीट बना सकते हैं। फिर सुन लें अलाउंसेस, मैंने तो 3 अलाउंसेस लिखे हैं, अलाउंसेस 10 किस्म के भी हो सकते हैं, 15 किस्म के भी हो सकते हैं, शीट बड़ी हो जाएगी, लेकिन अलाउंसेस सब लिखना पड़ेंगे। इसी तरह से डिडक्शन अभी 3 है, डिडक्शन 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो आपको सब लिखना पड़ेंगे। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई बताइए अलाउंसेस कितने किस्म के होते हैं, तो आप बताएं कि अलाउंसेस बेशुमार किस्म के होते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई डिडक्शंस कितने किस्म के होते हैं, तो आप उनको बताएं कि डिडक्शन बेशुमार किस्म के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।